नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज बनी रही सुर्खियों में। पूर्व सैनिकों के समूह खाद्य पदों पर 5% आरक्षण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। मायावती का वार, जब भी विरोधियों की सरकार बनती है दलित समाज होता है जुल्म का जातीय शिकार। उत्तर प्रदेश के बांदा में पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंचा पति, बोला हत्या कर दी है, लो मुझे गिरफ्तार कर लो। नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जा रहा सोना चांदी बरामद, तस्कर हुआ गिरफ्तार। मथुरा में पत्नी को होटल में छोड़कर पति हुआ फरार, बेटे को भी ले गया साथ। माफिया सुधीर सिंह पर पुलिस का कसा शिकंजा, 6 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। आजमगढ़ में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके की बाजार बंद, पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। लखनऊ के गोमती नगर जनेश्वर मिश्र पार्क में फोटो शूट करा रहे मॉडल से छेड़खानी, फेसबुक लाइव आकर किया दर्द बयां। लखनऊ के ताल कटोरा में झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, शरीर में मिले 10 निशान। कोरोना अस्पताल में भर्ती मरीजों ने किया बड़ा खुलासा, कंट्रोल रूम की फीडबैक रिपोर्ट में आई सामने सारी कमियां। यूपी के फरुखाबाद में घर में सो रही मासूम बच्ची से दुष्कर्म, बच्ची की चीख पुकार सुनकर मचा हड़कंप। हरदोई में पिता ने 4 साल की मासूम बच्ची को बनाया हवस का शिकार, पत्नी ने विरोध किया तो बोला आत्महत्या कर लूंगा। हाथरस केस में नया खुलासा, भाजपा सांसद राजवीर दिलेर की बेटी ने पुलिस पर सवाल उठाए तो गैंग रेप की धारा जोड़ दी, कहा पहले एक आरोपी का नाम था, 3 आरोपी जोड़ दिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में तरासे गए पत्थरों की शिफ्टिंग शुरू, निखिल सोमोरा ने कहा कि मंदिर की नींव पर वेस तैयार होने के बाद पत्थरों पर काम शुरू होगा। बरेली में दोस्तों के साथ बैठी छात्रा से गांव के ही 8 लड़कों ने की छेड़खानी, बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। वाराणसी में कांग्रेसियों की रिहाई के लिए कार्यकर्ता डीएम आवास का घेराव करने सड़क पर उतरे, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए। इटावा जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में दोस्त के संबंध में शक में पत्नी की हत्या, सास को पी किया जख्मी, पति हुआ फरार। बहराइच में हड़ताल का समर्थन न करने पर बिजली विभाग के अफसर ने दिव्यांग लाइनमैन को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश, एफआईआर दर्ज। गोरखपुर में 5 माफिया की करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त, एसएसपी ने कहा नहीं बच पाएगा कोई भी अपराधी। फतेहपुर में शिक्षिका की हत्या, हाथरस की गलती फिर दोहराने की हो रही थी तैयारी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।